मॉर्निंग बच्चों, हम लोग फिर हाजिर हैं एक बार आपके साथ आपकी हिंदी की नई क्लास में। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए, बुक्स निकाल लीजिए अपनी। ठीक है, आज हम आप लेसन पढ़ेंगे, लेसन टू, बिना मात्रा वाले शब्द। पिछले लेसन में आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से घर पे, क्यों बच्चों, किया है कि नहीं? वर्णमाला दोहराई थी, नोटबुक पे लिखा था कि नहीं लिखा था? ज़रूर लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास है अपनी, बिना मात्रा वाले शब्द। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, अभी तक तो आप लोग पुराना ही पढ़ रहे थे, अब आज से आपको नया पढ़ाया जाएगा, अच्छी सी चीज़ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिए। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बिना मात्रा वाले शब्द। वो शब्द जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है उसको बोलते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है, दो वर्णों से बिना मात्रा वाले शब्द, दो वर्णों मतलब दो वर्ण, दो अक्षर, कोई भी दो अक्षर, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, एक अक्षर ये एक वर्ण हो गया, एक वर्ण हो गया ये हो गया, ये कोई भी दो वर्ण, पूरी वर्णमाला से कोई भी दो वर्ण उठा के आप जब बनाते हैं वर्ण बिना मात्रा के, तो उसको बोलते हैं दो वर्णों वाले शब्द। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मैं आपको शुरू करता हूँ। ये चित्र देखिए, पहले चित्र देखिए, चित्र किसका है? घर का है, घर का है। ये नल है, ये क्या है? जग है। सबके घर में होता है, सबका घर होता है, सबके घर में नल भी होता होगा, सबके यहाँ जग भी होता होगा, क्यों बच्चों, है ना? आप क्या उसी को कैसे लिखते हैं? घा। एक वर्ण क्या हो गया आपका? घा। एक वर्ण क्या हो गया आपका? रा। दोनों को जोड़ दिया, प्लस का निशान है ना, जोड़ दिया, क्या हो गया? घर। आया समझ में? एक वर्ण घा, एक वर्ण रा, हो गया घर। दूसरा क्या है? ना और ला, ना और ना, नल। जा और गा, जग, जा होगा जग। ठीक है, आई समझ में बाद में, फिर से पढ़ाऊँ? चलिए देखिए, घा और रा घर, ना और ना नल, जा और गा जग। मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग, ठीक है, उंगली रखते हुए। अब यहाँ देखिए, बोल बोल कर पढ़ने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इसी तरह के और वर्ड भी दिए हुए हैं ना, जा अला जल, था ना धन, बोलते जाइए मेरे साथ बच्चों। जा और ग जग, हा और ट हट, का और ला कल, वा और ना वन, ठग ठग, नट नट, पा और ला पल, जा और ना जन, माग मग, पा और टा पट। ठीक है, सारे सब में देखिए क्या कॉमन है, दो वर्ण हैं, सब में दो ही तो हैं कि ज़्यादा है किसी में? सब में तो है ना। अच्छा, इसी तरह आप बोल बोल के पढ़िए, बहुत इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ जाएगा, आप लोग होशियार हो। ठीक है, ठीक है, इस तरह आप कर लीजिए, हो जाएगा ना। इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, दो तीन बार, उसके बाद अपनी नोटबुक पे लिखिएगा भी। ठीक है, आइए आगे आते हैं हम लोग। तीन वर्णों से बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा किसी में लगी है? नहीं लगी है ना, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, वैसे ही है, बस दो की जगह क्या हो गए, तीन वर्ण हो जाएंगे आपके। मात्रा किसी में नहीं लगी है, ना इसमें लगी है ना इसमें लगेगी। चित्र देखिए क्या बना हुआ है, मटर का चित्र है, कमल का चित्र है, कलम का चित्र है। मटर कैसे लिखते हैं? मा ट र, कितने हो गए, काउंट कीजिए, वन टू थ्री, थ्री हुए ना, तो तीन वर्णों से बने चित्र हो गए। मा टर मटर, कमल कमल, कलम कलम, हो गए ना तीन तीन के, इजी है ना, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ना। अब इसी तरह इसको बोल बोल के पढ़िए कैसे, ठहर ठहर, गगन गगन, महल महल, चमक चमक, नहर नहर, नमन नमन। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, केवल देख रहे हो क्यों? हाँ बोलते रहना। टहल टहल, नमक नमक, पहर पहर, पवन पवन, पहल पहल, दमक दमक। ठीक है ना, इसी कोई कठिन है? किसी पे भी मात्रा नहीं लगी हुई है किसी भी शब्द में। ठीक है, शब्दों में किसी भी शब्द में, चाहे ये दो अक्षर दो वर्ण वाले हों चाहे तीन वर्ण वाले हों, किसी पे भी मात्रा नहीं लगी हुई है। इस तरह आप भी बना सकते हो, ये जो लिखे हैं वो तो हैं, इसके अलावा आप भी बना सकते हो, और आप लोगों को बनाना है।
ये तो आपको नोटबुक में लिखने ही है, इसके अलावा आपको अपने मन से बनाने हैं। कोई भी शब्द, कोई भी तीन अक्षर वाले, दो अक्षर वाले शब्द, दस दस शब्द आपको नोटबुक में बना के लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, चार वर्णों वाले भी हैं, चलिए इसी समय पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, एक साथ पढ़ लेते हैं, आप धीरे धीरे करिएगा। चार वर्णों में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दो वर्ण थे, तीन वर्ण थे, अब चार वर्ण हैं, मात्रा इसमें भी नहीं लगी है, ठीक है। क्या चित्र है? कटहल का है, बरगद का है और अजगर का है। कटहल, चार हो गए, 1 2 3 4, तो कटहल हो गया। बरगद, चार हुए ना बच्चों, तो बरगद हो गया। अजगर, अजगर चार हो गए, अजगर हो गया, ठीक है। तो बोल बोल के पढ़ते हैं। अकबर, दमकल, नट, खट, शरबत। आपको पढ़ने में दिक्कत हो ना, तो आप एक एक अक्षर पढ़िए, एक एक वर्ण पढ़िए, क स र तु पढ़िए, उसके बाद एक साथ पढ़िए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बार बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ओके। मम्मी पापा से हेल्प लीजिएगा कोई दिक्कत हो रही हो, नहीं तो हम तो है ही। अटकल, झटपट, दशरथ, अफसर, पन, घट, खट, पट, अदरक, है ना बच्चों? वैसे ही है जैसे आपने दो वर्ण वाले पढ़े, तीन वर्ण पढ़े, अब चार वर्ण वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लिखिएगा, उसके बाद अपने मन से कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बड़ी वर्णमाला है, कितने सारे वर्ड हैं, कितने का वर्ड है ना, का से लेकर ग्या तक बहुत सारे हैं, तो सबसे एक एक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ जोड़ के, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक पोयम भी है छोटी सी, है ना, कविता हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अमन उठ, अमन उठ, हट मट कर, नहर तक चल, कट हल पकड़, रथ पर चढ़, झट पट चढ़, नट खट मत बन, है ना। तो इसमें क्या है आपको, इसमें देखिए तीन वर्ण वाले भी हैं, दो वर्ण वाले भी हैं, चार वर्ण वाले भी हैं, है ना, लेकिन मात्रा किसी पे नहीं लगी है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, ट्राई कीजिएगा, ओके। अगले पेज पे आते हैं, अभ्यास वाला, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, अपनी बुक में आप कर लीजिएगा। चित्र देखिए यहाँ पे, चित्र में क्या दिया हुआ है, किस चीज़ का चित्र है बच्चों, पहचानो पहचानो, ये क्या है, ये घर है, क्या है, घर है ना, है ना। तो घा का घा लिखा हुआ है, आगे जगह है खाली, तो क्या लिखा जाएगा, रा लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा लिख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, दो वर्ण वाला अक्षर हो गया बिना मात्रा का, ठीक है ना। उसी तरह ये देखिए क्या है, ये था लिखा हुआ है, खाली जगह पहले खाली है, ये क्या है, नथ है, नथ जो नाक में मम्मा लोग पहनती है ना, उसे बोलते हैं। ये क्या दिख रही है आपको, बस दिख रही है, तो बा लिखा हुआ है, आगे का वर्ण लिखना है आपको, लिख लोगे, कोई दिक्कत, सा लिख देना। साइकिल वाला, यहाँ पे क्या है, माँ लिखा हुआ है, रा लिखा हुआ है, बीच में जगह, तो क्या होगा आप बताओ, सोचो, ये क्या है, सब्जी बनती है इसके घर में, मटर, तो कौन सा छूट रहा है, टा छूट रहा है ना, टा लिख दोगे, ओके। ये क्या है, ये किस चीज़ का फूल है, देखा है ना आप लोगों ने, बुक्स में भी होगा और पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्लावर नेम आपको पता होंगे ना, हाँ कमल का फूल है, तो यहाँ पे माँ वाला लिखा हुआ है, का नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा जाएगा, का लिखा जाएगा ना, लिख देना यहाँ पे। उसी तरह ये क्या है, ये भगत है, भा और गा लिखा हुआ है, ता लिख देना, भगत हो जाएगा। ये पेड़ कौन सा है, बड़ा सा पेड़, अभी पूजा वूजा भी होती है घर में, मम्मी लोग करती होंगे, गए होंगे ना आप लोग, बरगद, तो बा है, गा, रा, ग और द, चार वर्णों का हो गया, ठीक है। ये तो आपका थर्मस है, जो वाटर बॉटल आप लोग लेके आते हो, तो रा और मा लिखा हुआ है, एक अक्षर पहले का, एक बात का, तो था, र, म, स, ठीक। ये शलजम आपका वेजिटेबल नेम्स में आपने पढ़ा होगा, शलगम, ठीक है, शा, ल, ग, म, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लीजिएगा आप लोग, इसको फिल कर लीजिएगा बुक्स में। ये लास्ट है आपका मैचिंग, सबको मैच करना है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं चार, और ये चार पिक्चर बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, तो जो आपको पिक्चर यहाँ पे लिखी हुई दिखे, पढ़िएगा, उससे आप उसको मिला दीजिएगा। जैसे ये क्या है, ये कलश है, पूजा होती तो रखा जाता है ना, ये कलश है, कलश को इससे मिला दीजिए, नल, नल को इससे मिला दीजिए, कमल, ये कमल कहाँ लिखा है, ये लिखा है कि ये लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए, सोचिए,
हाँ ये वाला है, ये वाला मत लिखिएगा, इसको कमल को इससे मिला देंगे। ये अदरक, अदरक चाय में पड़ती है ना, ये अदरक है, अदरक कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको इससे मिला दीजिएगा, सबको मैच कर दीजिएगा। ओके हो गया ना, देखिए आगे कुछ है नहीं, आगे तो नया लेसन है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा पूरा चैप्टर करा देते हैं इसलिए आपको पढ़ा दिया। आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे करिएगा और इसको बुक में कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कीजिएगा, मम्मी पापा से हेल्प लीजिएगा। ओके आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।